है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सेवल परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सोलापुर 30-40 वर्ष पूर्व में, या यूं कहें दीक्षा से पूर्व में, सोलापुर का प्रवास रहा था। वहाँ के आश्रम, वहाँ का विद्यालय जाकर के देखने का प्रयास किया था। क्योंकि उस समय गुरुकुल की परंपरा चलती थी, अब धीरे धीरे उन गुरुओं के कुल में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आना चाहिए था, और प्राथमिकता जिसे मिलना चाहिए उसमें क्या क्या अंतर आया है, मैं नहीं कह सकता, किंतु काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। रसरी आवत जावत है, सिल पर हुई निशान, मृदु भी रस्सी के द्वारा कठोर से कठोर, सिला भी उसके ऊपर निशानी आ जाती है, किंतु रस्सी को कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि वह रस्सी एक स्थान पर नहीं रहती हुई, एक ही स्थान पर से चली जाती है, आती है, उसके कारण वह कठोर शिला को भी दो भागों में बांट देता। उपयोग के पास ऐसी दिव्य शक्ति है, वह अपने उस शक्ति के माध्यम से प्रखर प्रभाकर को भी एक काला तवा की भांति बना सकती है। यह उपयोग और शक्ति ज्ञान की है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उस ओर कदम कम पड़ते हैं, और दुनिया के बहुत सारे अल्प मूल्य वाले वस्तुओं को भी, सोने से भी महत्वपूर्ण, हीरे से भी महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय को खो देते। ये खोना और अर्जित करना दोनों काम होते रहते हैं, यह ज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान क्यों आवश्यक है? ज्ञान के स्वभाव के बिना आत्मा रहती नहीं है, फिर भी क्यों ज्ञान अर्जित करें? यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह शिक्षा के माध्यम से ही उसका बोध होता है। शिक्षा, अभी अभी एक बालिका को लेकर के एक के माँ ही हो सकती है हमारे सामने आकर के, वह बालिका स्वयं कहती, महाराज जी
मैं आपको कुछ सुनाना चाहती, वह नेत्र से निकल थी, लेकिन हाँ सुनाओ, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रही है, तो हमने मुख से कहा सुनाओ। तो उसने तत्वार सूत्र के मंगलाचरण को सुनाया और भक्तावर जी के एकाद कड़ी को भी सुनाया, स्पष्ट उच्चारण के साथ। नेत्रहीन होने के उपरांत भी आप लोगों से भी ज़्यादा स्पष्ट संस्कृत का उच्चारण कर लिया। ज्ञान को अर्जित नहीं करना है, किंतु ज्ञान को मांझना है। ज्ञान को भी मांझना नहीं है, अपनी आत्मा को मांझने से अपने आप ही ज्ञान को भी मांझने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्ञान एक गुण है, गुण कोई काम करते नहीं। आप लोगों को लगेगा ये कैसी बात महाराज, हम इस गुण को प्राप्त करने के लिए तो प्रयासरत है। गुण जो शक्ति होती है वह कभी भी खोई नहीं जा सकती, किंतु आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ है, तो आत्मा ज्ञायक होता है, ज्ञान उसी का है, किंतु ज्ञान के बिना वह आत्मा जानती नहीं है। इसलिए क्या जानने योग्य है और क्या जानने योग्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे वीर रस युक्त पंक्तियाँ सुनी, इतनी जोर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस ज्ञान का भी उपयोग हमें करना है, तो व्यक्ति सुन करके भीतर ही भीतर तिल मिला जाए और वहाँ तिल मिलाहट उसको जिंदगी तक रात के 12 बजे भी याद करती रहे, तो वो याद आ जाना ही। ये कहाँ से मिली थी हमें ये विद्या? तो ज्ञान को नहीं मांझना, किंतु ज्ञान के माध्यम से आत्मा को मांझना है। इसलिए ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया कुंद देव ने, किंतु ज्ञानी अथवा ज्ञायक को महत्व दिया है। और वह ज्ञायक ही जब लायक बनता है, फिर क्या कहना, ज्ञान हाथ जोड़ करके अपने सामने खड़ा हो जाएगा, मेरे भी कुछ सेवा आप स्वीकार करो। ए चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो, मैं कहूँगा उस समय तुम्हें काम करना है, नहीं समझे, और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार करना है। हाँ, शक्ति कभी भी काम करती नहीं है, शक्ति काम में आती है। क्या कहा, दोबारा कहूँ, हाँ, शक्ति कभी काम करती नहीं है, किंतु शक्ति काम में आती है। वह ज्ञायक कब लाना है उसका इससे काम, कब नहीं लेना, वो ज्ञायक जानता है। ज्ञान पड़ा रहेगा। ए चुप रहो, सामान्य के समय पर तुम उदम नहीं करेंगे। माँ चंत सामान्य करते हैं ना आप, उस समय ये सोचो, नहीं चिंतन करना एक प्रकार से ज्ञान के कारण परिश्रम होता है। आपका माता तपता है ना, माता तप कब तपता है, जब हम उस ज्ञान को विशेष रूप से काम में लेना चाहते हैं, बार बार काम में लेना चाहते हैं, उस समय वो कर नहीं पाता, तो वह माता
तप जाता है, इसलिए उसका उपचार करना आवश्यक होता। माथा ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज्ञान को लगाने से उसका माथा दुखने लगा। आज प्राय करके विद्यार्थियों के माथा दुखने लग जाता है। मुझे उससे बहुत कष्ट होता है कि देखो सही जिसको इनको सेवा करना था उसका न करके माथे को ही ये लगा रहे हैं तेल वो ये। पहले ज्ञान को लगाओ अच्छे ढंग से। वह ज्ञान को लगाने वाला कौन है? तो ज्ञायक आत्म तत्व होता है। ज्ञायक जो होता है वह द्रव्य होता है, और गुण जो होता है वह ज्ञान के समान और भी गुण होते हैं। अब हमें यह समझना है ज्ञान को कब काम में लेना, कितनी मात्रा में लेना है, फिर कब उसको नहीं लेना है। यह यदि विद्यार्थी सीख ले तो हमारे पास आकर के बार बार नोस्त महाराज हमारी टेंशन खराब हो गया है, हमारा टेंशन बहुत ये हो रहा है, इसके लिए कोई साधन बता दो। तो भैया आपका इंटेंशन ठीक नहीं है इसलिए टेंशन हो रहा है। इसलिए मेडिसिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यही मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। यदि हम अपने उस तत्व को हमारे अधीन रखें तो ज्ञायक को हमेशा विश्राम मिलेगा। किसी से भी आप अति श्रम न कराइए। आज जो बच्चे बैठे इनके अभिभावक हमेशा हमेशा उनको जोर देते रहते नंबर 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 नहीं 99 बोलो निन्यानो भी नहीं बोलो, 99 और 9 कितने पॉइंट, 99 पॉइंट भी बोलो। हाँ और हाँ इतने नंबर ना हो। हाँ ये करने से जब वह 90 तक भी नहीं आता तो माता पिताओं के आज्ञा का उल्लंघन हो गया, घर से बाहर निकालने सोचता है वो। ऐसा तो कम से कम दया करके अपने गुरुकुल में जो सीखने के लिए आए अभिभावकों को भी सिखाओ, ये तो अपने आप सीख लेंगे। बहुत कठिन हो गया है बच्चों को समझाना, क्योंकि वो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य कैसा हो। सुनो अब ज्ञान के लिए भाषा आवश्यक है मैं नहीं मानता, किंतु भाषा के कारण ज्ञान किस प्रकार हमें आने लग जाता है अथवा हमें ये बोध हो जाता है कि ज्ञान को किस ढंग से उपयोग में लाना है। एक छोटी सी किताब हमने अपनी तरफ से प्रेरित कर दिया था, उन्होंने संकलन किए इन सूत्रों के माध्यम से, उसका एक जो है हम आपके लिए नमूने बताना चाहते हैं। उसमें ये कहा गया था, मैंने अपने जीवन में शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया, सब कुछ हो गया और सब लोग हैरान भी थे।
विद्यार्थी जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले वो भी सोचते थे ये कैसे आएगा, हम तो इस ढंग से पढ़ते हैं, अब ये चाहता है कि मैं भी पढ़ूं, और पढ़ता कुछ और आने वाला कुछ और, कैसा होगा इसका। लेकिन फिर भी बच्चे आपस में जो छात्र थे वे उसको समझाने का प्रयास करते, नहीं हुआ। और अंत में जब सफलता, अंतिम सफलता जिसको बोलते हैं, सामने आ गई, उस समय वहाँ योग्य ठहरा, सब लोगों ने उसको मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया, यह ही वैज्ञानिक है। अब आपको आश्चर्य होगा, स्वयं वह व्यक्ति कह रहा है मुझे वैज्ञानिक होने का सौभाग्य मिला है। तब मिला है, कैसे तब मिला है बताओ। तो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, आज आकाश में घूमने के जो उपग्रह हैं उनके बारे में मैंने शोध कर लिया, किंतु मैं वैज्ञानिक होने के उपरांत भी कहता हूँ मैं इंग्लिश नहीं जानता। है बताओ, इंग्लिश नहीं जानने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, वो स्वयं कह रहा है। अब आप समझेंगे इंग्लिश अनिवार्य, हम तो ये कहते हैं यदि आप संयत हो गए तो ज्ञान को अपने आप ही शांत बैठना पड़ेगा। आज ही एक अकलंग देव की पंक्ति मिली थी, अपने आप ही शांति आने लग जाती है, ध्यान में व्यग्रता नहीं रहती है। किंतु ज्ञान में व्यग्रता कहाँ से आ गई पता नहीं, उस व्यग्रता को दूर करने के लिए ही इंटेंशन को आप सुधार दीजिए, टेंशन अपने आप ही दूर हो जाएगी। बच्चों को हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध वस्त्रों का धारण करना अनिवार्य। वस्त्रों को भी महाराज, हाँ वस्त्र है, वस्त्र भी आपके लिए बड़ी बड़ी आवश्यक है, वो चीज है जिसके कारण आप देख लो यदि आधुनिक ढंग से आप वस्त्र आदि का पहनाव करते हैं और करने योग्य वस्त्र का पहनाव करते हैं तो उस समय क्या क्या अंतर आ जाता। जब हम छोटे थे उस समय जब तक ऊपर शर्ट जो होता है जिसको अंगरखा बोलते हैं दक्षिण में, उसको उतारते, टोपी को भी उतारते और हाथ पैर धो लेते हैं, फिर इसके उपरांत रसोई घर में प्रवेश मिलता था। नहीं तो है क्यों, इसलिए कि उसके पहनने से ही अपने आप आहार लेने की धारणा भावना बन जाती है। और इनको कई बार कहना पड़ता, बेटे ये ले ले, ये ले ले, ये, अरे वो लेना नहीं चाहता है, वह होटल का चाहता है। भूख लग जाते हैं तो अपने आप ही चीज स्वीकृत हो जाती है। तो ऐसे संस्कार जो कि यह स्थान का भी और उस मन वस्तुओं का भी और जलपान इत्यादि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है,
ये बच्चे बिस्किट ये खा लेंगे, ये कप चाय पी लेंगे और चींटी की भांति यूं हो जाएगी। अरे महाराज, छुआरा तो खजूर को भी उपदेश देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह नियम है, अन्न ही एक प्रकार से शरीर के लिए उत्तम आवश्यक तेल है। अन्न एकदम पचता नहीं, धीरे धीरे पचता है, फिर इसके उपरांत उसके माध्यम से रक्तादि का निर्माण होता है। किंतु दूसरे और कोई वस्तु सेवन करेंगे तो इस प्रकार काम नहीं करेंगे और एक प्रकार से शरीर में जो गर्मी चाहिए रक्त संचार के लिए गति जो मिलती है वह अन्न के माध्यम से मिलती है। इसलिए आप लोग अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हो तो आहार लीजिए। आहार ही औषध है। सोलापुर से लगभग आज वह 70 वर्ष हो गया होगा, एक कल्याणकारक आयुर्वेदी ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। उस समय पंडित वर्धमान शास्त्री ने उसकी प्रस्तावना प्रकाशक मनी सौभाग्य होता और जेनेटर ब्राह्मण जिनको बोलते हैं चोटी के धारक थे, मूर्धन्य विद्वान थे, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। उस प्रस्तावना को पढ़ने से हमें लगा यह एलोपैथी की ओर देखना नहीं चाहिए। आयुर्वेद को जीवित रखने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित करना आवश्यक है। जो चाहते हैं वो पूरा का पूरा मिलेगा। आज रुग्ण देश होता जा रहा है, विश्व उसमें उसका शिकार बनता जा रहा है। उसको यदि आप सही मार्ग पर ला सकते हो एकमात्र आयुर्वेद है। अकाल मृत्यु युदासार्थम आयुर्वेद शास्त्रम लिखते। आयुर्वेद शास्त्र का जो लेखन हुआ है वह केवल अकाल मृत्यु को बचाने के लिए। मृत्यु कभी भी बच नहीं सकती, मृत्यु तो अनिवार्य होती है। हम कभी भी अमर बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि मृत्यु के अभाव यदि होना है तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद के और देखना पड़ेगा। और वहाँ उसमें वो दुर्गाचार्य उग्रादित, हाँ उनकी वह कृति है और उसमें ऐसा उन्होंने लिखा है ब्राह्मण विद्वान ने, जैनाचार्य जैन मुनि और जैन पंडित जो कोई भी हुए हैं उन्होंने जो आयुर्वेद की सेवा की है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, गौरव का विषय है। और बहुत सारी बातें उन्होंने और भी लिख करके कहा है कि हमें इसको पढ़ने से यह एक प्रकार से अपने आप ही हमारा ज्ञान प्रफुल्लित होता है, यह ऐसा काम करना चाहिए। आज आप लोग आए हो, आहार तो चाहिए, जल भी चाहिए, किंतु आज आपके लिए भाग्य में दोनों में दूषण आ गया कि ऐसे ऐसे अन्न का निर्माण होता है जिसमें बीज भी विदेशी बीज है और उसके लिए खाद भी विदेशी खाद है और इसके रोग यदि पड़ते हैं तो विदेशी ही कीटनाशक दवाइयां हैं। इस प्रकार अंगूर भले ही ज़्यादा, अनार भले ही ज़्यादा महाराष्ट्र में होता हो
लेकिन उनको ऐसी दवाइयों में डुबो डुबो करके उनको तैयार कर दिया जाता है। कितने भी आप उसको धो लो, उसके विषाक्तपना दूर नहीं होते। उसका सेवन आप अपने बच्चों को कराने से कभी भी वे रुग्णता से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इस सब को देख करके ऐसा लगता है भारत को अपनी ओर देख लेना चाहिए। यदि जन सेवा करना चाहते हो तो आप सर्वप्रथम अन्न की सेवा करो और उस अन्न को ऐसा उत्पादन करो और कृषकों को प्रेरित दो। यह कृषक आप लोगों के लिए 24 घंटा 12 महीने कमर कस करके खड़े रहते हैं और आपको लोगों के लिए अमृतमय उस अन्न की फसल तैयार करके देते हैं। वह किसान आप लोगों से बहुत आगे के हैं। वे इंजीनियर तो नहीं बन पाए, लेकिन इंजीनियर से उनको कम नहीं गिन सकते। हाँ, ऐसे अन्न का फसल वो तैयार करते हैं जो कोई भी उसको नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग अवश्य ही आयुर्वेद के बारे में सुनेंगे और इधर एलोपैथी की ओर न जा करके, क्योंकि दवाइयाँ आज एक और रोग के उत्पत्ति के लिए कारण बन रही हैं। रिएक्शन होता है, प्रत्येक कार्य में एक्शन होने के उपरांत रिएक्शन यदि नहीं होता है तो वह योग्य माना जाता है। किंतु एक रोग ठीक नहीं हुआ किंतु दूसरा और पैदा हो गया। इस प्रकार रोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है और बहुत ही मार्मिक दवाएं आप लोगों के लिए मिल रही हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ साहूकार यदि है, उनका भाग कीमती दवाई खाने में ही है। क्या कहा? हाँ, ये बड़े क्यों हैं? ये इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता, खाने खा भी नहीं सकते। आप मीठा नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, आप दूध नाम नहीं ले सकते, आप नमक आप छू नहीं सकते। बस ये करते, ये कर सकते, ये कर सकते, फिर हमारे जीवन कैसा बचेगा? ये आप दवाई ले लो। अभी अभी अमेरिका से ये आया है और इसका मूल्य कितना है? 50,000 रुपए में एक इंजेक्शन। बस एक महीने में एक लगा दो, दो बार लगाने की कोई आवश्यकता, बीच में लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर बाद में दो महीने में लगा लो, किंतु 1,00,000 रुपए में एक इंजेक्शन आता। इस प्रकार रोगी के रोग और बढ़ते चले जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमारी चिकित्सा हो रही है, ये गलत। लेकिन आयुर्वेद में इससे ठीक विपरीत परिणाम निकलता है। वह कैसा होता है? वह आपके जड़ सहित निकाल देता है। और उसका मूल्य कितना है? अरे, 5 नए पैसे भी आ जाता है। और मुफ्त, थोड़े से और चले जाएं तो मुफ्त भी मिल जाएगा आपको। किंतु कभी भी वह रिएक्शन नहीं करेगा और आपके जीवन को बिल्कुल तरावट से युक्त कर देगा। ऐसे कई नुस्खा जो घर में ही माता पिता या और बड़े हैं वो सब करते रहते हैं, इसकी आवश्यकता। आहार ही औषध है। एक किताब आपको मिल सकती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप यहाँ इस विद्यालय में यदि आयुर्वेद के लिए कुछ प्रेरित होते हैं बच्चे, तो अवश्य ही निकाल दीजिए और उनको
वेद बनने के लिए प्रोत्साहित कर दीजिए तो भारतीय औषध पद्धति चिकित्सा पद्धति बहुत आगे तक पहुंच सकती है। हाँ, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व ऐसे हैं। इसलिए शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का अर्थ यह है कि कोई अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं रखता और न ही और कोई लिखने पढ़ने की आवश्यकता होती है। केवल उसको समझने के लिए हमें श्रवण शक्ति चाहिए और वह गुरुजी पढ़ाते चले जाएं और आप उसको सुन करके ही सब कुछ तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, उसके उपयोग करने में हमारे लिए जो पद्धति बता दी है वो निश्चित हो जाती है। एक, जब रोग किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता है फिर भी एकाध वस्तु के माध्यम से भी रोग की चिकित्सा की जाती है तो वह एलोपैथी में, होम्योपैथी में और किसी में नहीं, एकमात्र आयुर्वेद में ही है। जिसको एक प्रकार से कल्प बोलते हैं। कल्प क्या वस्तु है? कल्पना नहीं है किंतु कल्प तो एक प्रकार से काया कल्प करता, काया कल्प करता, यह कल्प कल्पतरु है, यह कल्प कल्पतरु है और क्या, यह कल्पना नहीं किंतु यह वास्तविकता है। कैसे, हम बताना चाहेंगे, एक मिनट में यह बताया जा सकता है। एक व्यक्ति को पीठ में गांठ हो गई, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, विकास के साथ उसमें दर्द होने लगा, दर्द के साथ वह और ऊपर आया और उभर करके दिखने लगा। बोला जब क्या करें, लोग ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, नहीं, वो स्वयं उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आता आता गया ऊपर फिर, किंतु इसके लिए एक महीने पूर्व से एक पुलटिस, जिसको बोलते हैं आप लोग कौन से, वो अलसी, अलसी और कुछ जवस, जवस बोलते हैं अलसी, पुलटिस बांटे थे, बांटे बांटे ऊपर आ गया। आने तो अब फोड़ दे, फोड़ना नहीं, वह स्वयं फूटेगा। वह ऐसा ही हुआ, फूट गया। अब वह फूटने के उपरांत कब तक वह उसमें से जो रक्त खून पी आदि निकलता, निकलने दीजिए और वह पुलटिस लगाते चले जाएंगे। फिर इसके उपरांत उससे भीतर से कुछ भी नहीं रहा तो वह बंद हो गया। अब इसमें शुद्ध घी, हल्दी, बस इतना बांधते जाओ, वह स्वयं भरता चला गया। और अपनी चिकित्सा का व्यय कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर शल्य चिकित्सा, ये शल्य जो है ना, प्रत्येक रोगी के मन में शल्य पैदा करता है। हाँ, चुभता रहता है, उसके बिना कोई हो ही नहीं सकता। अरे निश्चल्यो व्रति, हमारे आचार्यों ने कहा शल्य से रहित व्रति होता है और आज उनके जीवन में भी शल्य घर कर गया। ऐसे और भी है उदाहरण, हम आपके समय नहीं लेना चाहते, लेकिन इससे लोभ से भी मैं दूर नहीं होना चाहता। अब सुनिए, एक के जीवन में कम से कम भी 10-20 बार एक कान के पास
हुड़िया होती थी और उसमें से कुछ सफ़ेद 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 बिल्कुल आटे के बराबर आटा जैसे वह निकलता था और निकले बिना वह शांत नहीं रहता और वह 2 महीने या 1 महीने कभी 2-3 महीने में इस प्रकार होता था। सभी डॉक्टर हो गए, कोई है नहीं। फिर इसके उपरांत पुनः हो गया, उस समय आकर के कहा अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर वही अलसी का पुल्टिस लगा दो, किंतु ध्यान रखना जल्दी नहीं करना। कब तक? कब तक ये मत पूछो, जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम चुप बैठेंगे नहीं। प्रतिदिन लगाना, प्रतिदिन शाम को बांधते सुबह तक रहता, फिर ये करना। यह क्रमशः 6 महीने तक चला, सुन रहे हो आप? हाँ, 6 महीने तक चला। बीच में कई बार आए हम, उन्होंने कहा महाराज इसमें कुछ हो नहीं रहा। कैसे कह रहे हो आप? वह काम कर रहा है लेकिन एकदम इतना काम हो नहीं सकता, उसकी भी सीनियरिटी है उस बीमारी की। लगाते हैं आपके कहने से लगा रहे हैं, हमारे कहने से ही अब लगाओ, लेकिन इसके प्रति आस्था भी रखो। हाँ, आस्था तो है, लेकिन सभी डॉक्टर लोग आकर पूछते ये क्या कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो इसके उपरांत 6 महीने के उपरांत, सुन रहे हो, बस एक दिन वह फूट गया। हमने कहा हमें राहत मिल गई। हाँ, क्योंकि विश्वास तो दिलाना बहुत कठिन है। हाँ, शल्य क्रिया सफल। अब वह कब तक निकलेगा, निकलता गया रहा, आप लगाते रहिए। अब वह खुशी हो गई उनको, हाँ अब लग गया। 6 महीने के उपरांत वो काम कर गए, नहीं प्रतिपल वह पुलटिस काम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्ण निकलने के लिए लग गया। अब वह 1 महीने तक लगातार आता चला गया और लगातार ये बांधते चले गए। जब वह आना बंद हो जाएगा तो फिर उसके लिए वही घी और हल्दी कड़का ये लगा देना, बस ये कर दिया। फिर इसके उपरांत वह दीवार की भांति एक माट कुछ भी उसकी निशानी तक नहीं रही। अभी तक उसका 4-5 साल हो गए, एक बार भी शिकायत नहीं आई। यह आयुर्वेद का चमत्कार सभी डॉक्टरों के द्वारा नहीं हुआ। ऐसे कई हमारे सामने अनुभव हो जाते हैं, इसको मना हम नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, एक प्रकार से आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा आप करो, लेकिन क्या आता है वो मत दिलाओ। क्या मत दिलाओ? विश्वास लौट आता है। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता आचरण से अथवा व्यवहार से। आज का यह युग व्यवहार कुछ करना नहीं चाहता, आचरण के ओर उपेक्षा रखता है और फल की इच्छा तो रात दिन करता रहता है, हमें मिल जाए है नहीं। ऐसे चमत्कारों से भरपूर आयुर्वेद है, जीवन में कोई भी रोग आ जाए उसके ऊपर पूरा औषध है। उसको छोड़ करके आज हर एक व्यक्ति की दृष्टि विदेश की ओर चली जाती है,
ये कर्म फूटा है, सौभाग्य नहीं है उसका, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हर बात में, हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे का है, लेकिन ये नहीं, ये विज्ञान हो गया। ये किताब अवश्य आपके महाविद्यालय में पढ़नी है। जितने भी इंजीनियर हैं इसको पढ़ते हैं। आप लोग कहते हैं कि विज्ञान विदेश में है, नहीं, विदेश में गया यहाँ से। इसमें लिखा हुआ, उन्होंने अलग रूप से 5-6 पंक्ति लिखी है। इसको पढ़ने से आपको गुस्सा आ सकता है, ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों के सामने ये नहीं आया इसलिए आपको गुस्सा आ सकता है। कोई भी वस्तु नहीं है, भारत के बाहर यहाँ से बहुत कुछ जाता था, किंतु वहाँ से आयात करने के लिए कुछ भी दरवाज़ा नहीं था। फिर क्या आता था? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आता था। आप ज्वार खाने वाले हो, किंतु ध्यान रखो यह ज्वारत है। ऐसा बहुमूल्य वस्तु आती थी, भारत को आज हर बात पर पराजित होना पड़ रहा है। इसको भूल जाओ और इसी ये वैज्ञानिक किताब को अवश्य पढ़ेंगे। धर्मपाल नाम एक प्रकार से गांधी जी के शिष्य या समकक्ष होने वाले एक विद्यार्थी थे, और गांधी जी के कुछ समस्याओं के हल करने के लिए गांधी जी कहते हैं, आप क्या चाहते हो, मैं इसकी सेवा अवश्य करूंगा। 35 वर्ष तक विदेशी पुस्तकालयों में जा कर के उन्होंने जो संकलित किया, और उसको 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्ज्ञान, यह विज्ञान यहीं से वहाँ चला गया था, उन लोगों ने ये लिखा है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। आज का इंजीनियर इससे अनभिज्ञ है, उनके इंजीनियरों को पढ़ाने वाले भी सभी अनभिज्ञ हैं। 3-4 विश्वविद्यालय से लोग आए थे। हम इसके आपके पास इसलिए आए हैं, सुना है आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी, हाँ रखिए, इन्हीं को पढ़ कर के हमने किया। तो आज यह विश्वास करेंगे हमें विदेश नहीं जाना है। विदेश नहीं जाना है, विदेश यहाँ पर आते थे, और सभी ने इसको पढ़ा है, लिखा है, समझा है, अनुसंधान किए हैं। ऐसा यह भारत है। यहाँ पर पहले कैसी कैसी विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र आदि आदि, बहुत सारे, तक्षशिला, बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों गुरुकुलों का केंद्र भारत था। आज भारत हर बात में आपके माता पिता, नहीं हमारा लड़का विदेश गया, आओ लौटेगा कब ये बताओ, लौटेगा क्या, नहीं लौटेगा। इसलिए हमने ये नारा दे दिया, आप लोगों को भी दे देता हूं, रुको रुको लौट चलो, रुको रुको लौट चलो, कहां, भारत। विदेशी लोग भारत आ रहे हैं और आप लोग विदेश में, महाराज कुछ चमत्कार तो है, हाँ विदेशी लोगों के लिए भारत में चमत्कार दिख रहा है और आप लोगों को वहां पर दिख रहा है, गलत कौन है सही कौन है ये आपको देखना है। इसलिए आज के वस्त्र जो आप पहनते हैं वो चर्म रोग को पैदा करने वाले हैं, और अनेक प्रकार के तामसिकता के वहाँ आपको शिकार बनाते जा रहे हैं। और निश्चित बात है, जिससे
रोजगार के लिए एक प्रकार से ब्रेक लगा हुआ है। तो रोजगारों के यदि जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हथकरघा प्रयोग कर दीजिए और उसके माध्यम से कपड़ों का जो आप पढ़ रहे हो उन विद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम के रूप में रखा जा सकता है। और यह प्रतिभाशाली के सारे सारे विद्यालय उसमें पाठ्यक्रम से चल रहे हैं, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा तक वे अपने आश्रित हो जाते हैं और सबके लिए उत्पादन दे रहे हैं। उसको जा कर के आप देखेंगे तो लगेगा कि हमारे भी विद्यालय में ये होना ही चाहिए। आप जब स्वयं तैयार कर सकते हो तो पराश्रित क्यों हो रहे हो? हाँ, इसलिए ये पसीना सूखने की क्षमता इन वस्त्रों में रहती, किंतु आप लोगों के वस्त्रों में ये गुण है ही नहीं। इसी प्रकार वासना इंद्रियों के वशीभूत करने की क्षमता इन वस्त्रों में है। उन वस्त्रों में यह संयम धारण रख नहीं सकता, इसलिए ये भी आवश्यक है। जीवों का रक्षण इसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पानी छान करके पीना विदेशी इन वस्त्रों से छन नहीं सकता, पक्का है ही है। और उसमें से यदि छनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ से कोई जीवों का निष्कासन नहीं होगा। इसलिए छानने की अपेक्षा से वस्त्र में निरोगता प्रदान करने की अपेक्षा से ये वस्त्र बहुमूल्य है। इसलिए गांधी जी ने ये कहा था। कल ही तो मनाया आपने गांधी जी को, हाँ कल ही तो हुआ था। आज आप आ गए, अच्छे समय पर आए हो। हाँ, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए ये महत्वपूर्ण केवल 100-150 पृष्ठी ये किताब है, किंतु ये पठनी है। और विद्यालय में एक तो नहीं ले जा सकते और आप बहुत कुछ इसके प्रति मिल सकती हैं। वो मिल जाए भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के रूप में, ये बच्चे सारे सारे इसके अनुसार शिक्षा पा ले तो बहुत बहुत विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह भी एक आग्रह है कि अनुसंधान के लिए यदि चीज है, कोई भाषा है, तो वह इंग्लिश है। ऐसे सब लोग रट रखे हैं। एक वह व्यक्ति कहा कि हाँ, मुझे जो आपने विषय संकेत दिए हैं विदेशी नीति के ऊपर, जो विषय मुझे दिया गया है मैं उसका पूर्ण निर्वाह करूँगा, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं उस ग्रंथ का संपादन यानी उस प्रबंधन को इस शर्त से स्वीकार करूँगा मैं इंग्लिश में इसको नहीं लिखूँगा। तो सब लोगों ने कहा इसके बिना ये लिखा ही नहीं जा सकता, विदेश के लिए आपको दिया गया है उस शक्ति को बता दो। नहीं, मैं अपनी भाषा में ही लिखूँगा और मैं नोट्स जिसमें लिखूँगा उसका स्पष्टीकरण इंग्लिश भाषा में नहीं हो सकती, मेरी अपनी भाषा है उसी मैं लिखूंगा। सब लोगों ने कहा ये नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग तो तालियां बजने लगी क्योंकि उनको वो बहुत बहुत पसंद आ गया। क्यों ऐसे बोल रहे हो? हम कह रहे हैं उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का। उन्होंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा लेकिन इसी मैं अपनी भाषा में हिंदी भाषा में लिखूंगा। अंत में हाँ कहा गया है। फिर उन्होंने ऐसा बढ़िया लिखा है, आज भी वह एक उदाहरण बना हुआ है। इसलिए कोई किसी विषय में शोध करना चाहते हो, प्रबंध लिखना चाहते हो, विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब पढ़ने से आपको ज्ञात होगा। यह
कम से कम भी 7-8 भागों में विभाजित है, 10 भागों में विभाजित है, और आज भी यह मराठी भाषा में भी है, हिंदी भाषा में भी है, मूल में इंग्लिश भाषा में, क्योंकि वहीं पर जाकर के वो लेखक लिखते थे, फिर बाद में अनुवादित हो गए। इसको हमने देखा तब लगा कि नहीं, विज्ञान के बारे में आपकी धारणा गलत है, इसलिए आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते, इसको पढ़ने से अवश्य बन सकते। और वैज्ञानिक अर्थ जो है केवल पुद्गल की खोज नहीं है, भीतरी आत्म तत्व की खोज के लिए। और ये सारे सारे महाराज उस आत्म तत्व के कर्तृत्व के लिए शोध प्रबंध लिखने में लगे हुए हैं, और इसके लिए न स्याही की आवश्यकता है, न पेपर की आवश्यकता है, न कोई किसी के निर्देशक की आवश्यकता है, केवल आत्म मनन करने से ही वह लिखा जाएगा और उसका फल मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। यही इतना कहना चाहता हूँ। आपके लिए समय ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अब चलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि।